नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, तारा भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो इस लेक्चर में हम मानवतापूर्ण आचरण के सेकेंड मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं, मूल्य नीति और चरित्र के रूप में। तो मूल्यों को समझने के क्रम में हम लोगों ने पहले सेल्फ में जो वैल्यूज हैं, सुख शांति संतोष आनंद, उनको समझा। फिर मानव के रूप में जीते हुए जो मूल्य हैं, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल जितनी चर्चा हुई थी शब्दों के अर्थ को लेकर या उससे जुड़े हुए भाव को लेकर, विचार को लेकर, यदि आपके अंदर कोई प्रश्न बना हो तो आप भी हैंड रेज कर सकते हैं। भैया, ये जो धीरता वीरता और उदारता, ये भी समझ भी आ रहा है और एक अनुमान की तरह, पॉसिबिलिटी की तरह संभव भी है। ऐसे ही दया कृपा और करुणा, तो भैया इसमें दया और करुणा भी समझ में आता है, लेकिन कृपा क्योंकि पात्रता भी नहीं है और वस्तु भी नहीं, वस्तु तो हम अवेलेबल करवा सकते हैं, पात्रता कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे इस पूरे क्रम में देखें, शिक्षा के क्रम में तो ऐसा हो सकता है कि सिलेबस बन गया है, बुक्स आ गए हैं, करिकुलम रेडी है, पॉलिसी बन गई है, बट जिन बच्चों के लिए ये शिक्षा की वस्तु तैयार हुई है, उन बच्चों के अंदर अभी जिज्ञासा नहीं तैयार हुई है, उनकी इच्छा नहीं बन पाई है समझने की, ऐसा जीने की। तो उस पर तो काम करते ही हम, तो उनके अंदर ये जिज्ञासा बन जाए, समझने की इच्छा बन जाए, ऐसा जीने की इच्छा बन जाए, तो क्या कर रहे हैं, उसमें पात्रता को विकसित कर रहे हैं। पात्र मतलब ऐसे देखें, रफली अगर देखें थोड़ा, तो बर्तन को कहते हैं पात्र। तो कंटेनर है, कंटेनर में कुछ भरा जा सके, ऐसी तैयारी कर रहे हैं, इसको पात्रता विकसित करना कहेंगे। कि वस्तु है ना, वस्तु वो पात्र में जाए, उसके लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो पात्रता विकसित करने का मतलब इच्छा तैयार करना, उस क्रम में जिज्ञासा तैयार करना, जीने की तत्परता और निष्ठा तैयार करना, उसके लिए मोटिवेट करना, एनकरेज करना, फैसिलिटेट करना, ये सारा कुछ। दया का मतलब कि किसी के अंदर जिज्ञासा है, वैसा जीना चाहता है, जीने की इच्छा बन गई है ना, उसके प्रति स्वीकृति भी बनी हुई है, परंतु सही वस्तु नहीं मिल रहा और ढूंढ रहा है। तो हम में से भी अगर देखेंगे तो ऐसे अपने आज के दिन हमारे जीने में या हमारे साथ जीने लोगों में भी ऐसे लोग दिखाई देंगे, परंपरा में भी ऐसे लोग दिखाई देंगे। कुछ लोग थे जो समाधान को ढूंढ रहे थे, भिन्न भिन्न जगहों पर जा रहे थे, भिन्न भिन्न व्यक्तियों से मिल रहे थे कि किसी तरह उनको ज्ञान के लिए सही वस्तु मिल जाए, समाधान के लिए सही वस्तु मिल जाए। उनके पास पात्रता तो है परंतु वस्तु नहीं पहुंची है, तो दोनों तरह की स्थितियां हो सकती हैं। जी भैया जी, तो लेकिन भैया जैसे करुणा में भी वस्तु है लेकिन पात्रता दोनों ही नहीं है, तो हम करुणा में दोनों के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो करुणा और कृपा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ, लेकिन परंपरा में जो कृपा यूज किया गया है वो कहीं कहीं गुरु के साथ जोड़ के यूज किया हुआ, इसलिए मेरा क्वेश्चन बना था भैया। हाँ, तो उसमें अगर सही अर्थ में देखें तो वो व्यक्ति को गुरु कहेंगे जो पात्रता को विकसित करे। हाँ, गुरु तो वहां पे भी है जहाँ दया का भाव है। अगर हम दया के भाव को समझ और भाव के अर्थ में परिभाषित करें, नियरली सुविधाओं के अर्थ में नहीं, तो वहां भी है। तो अब करुणा के रूप में देखें तो पूरा जीना ही ऐसा है कि मैं हर व्यक्ति के प्रति ये भाव रख पा रहा हूँ कि चाहे जैसा भी हो, पात्रता हो या ना हो, वस्तु उपलब्ध हुई हो ना हुई हो, मुझे अगले व्यक्ति तक सही वस्तु पहुंचाना है, पात्रता विकसित करनी है, ताकि वो व्यक्ति सुख समृद्धि की स्थिति में जी पाए, ताकि एक मानवीय परंपरा बनता है। तो पात्रता में दया और कृपा शामिल है, सॉरी इसमें करुणा में दया और कृपा शामिल है। अच्छा भैया, भैया मैं तो ऐसा ऑब्जर्व कर पाता हूँ कि जैसे दया और करुणा जो है वो तो रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए भी संभव है, जैसे हम लोग भी जिस प्रोसेस में है वहाँ पे दोनों से हम कर सकते हैं, लेकिन जो कृपा है वो रियलाइज स्टेज के जो लोग हैं वो ही कृपा कर सकते हैं, क्योंकि परंपरा में जब भी इस तरह की घटना घटी, जैसे रामकृष्ण परमहंस का विवेकानंद के साथ देखें, तो जो मैंने पढ़ा है उन्होंने उनके छाती पे अपना अंगूठा छुआ और ऐसा कुछ उनको अनुभव हुआ था, तो ये मैं कृपा से कनेक्ट कर पाता हूँ। जी, अभी देखिए हर शब्द का कोई ना कोई हम अपने अंदर अर्थ माने हुए रहते हैं,
तो यहाँ जो अर्थ में शब्द को रखा गया है उस पर ध्यान देने की जरूरत। हाँ ठीक है भैया, फिर वो एक्चुअली यहाँ पे हम इसको अलग मीनिंग से देखते हैं तब तो ठीक है जी। नहीं तो अभी कृपा शब्द को तो कई प्रकार से प्रयोग किया गया है, हो सकता है व्यापक के साथ ही किसी ने कृपा के शब्द को जोड़ दिया हो। तो कृपा शब्द का अर्थ क्या है तो ठीक से समझने की जरूरत है। प्रचलन में तो बहुत सारा अर्थ अनर्थ है ना, कई प्रकार से हो ही सकता है, एक ही शब्द के अर्थ को कई प्रकार से हम रख ही सकते हैं कि नहीं। ठीक है जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वस्तु को कौन से संदर्भ में देखा जाए, सिलेबस के रूप में या ज्ञान के रूप में या उसको एक्सपीरियंस के रूप में जो देना है ये चीज में देखा जाए क्या? तो तीन तरह की वस्तुएं होंगी, समझ, संबंध में सही भाव और सुविधा। तो अपने संबंधी के लिए तीनों उपलब्ध करा सकते हैं, मुख्य जो कार्यक्रम है वो समझ उपलब्ध कराना है जी। जब समझ को उपलब्ध करा रहे होते हैं तो सही भाव तो हमारे अंदर रहता ही, वो हम शेयर करते ही हैं। आवश्यकता अनुसार सुविधा भी उपलब्ध करा सकते हैं, हो सकता है अगले व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक सुविधाएं हो तो उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है जी। तो वस्तु का हम इस संदर्भ में लेकर चले क्या कि फिजिकल फैसिलिटीज भी उसको अवेलेबल करा दे तो वो भी वस्तु जैसा ही है? वस्तु है ना वो जी, वो भी वस्तु है। जैसे कहीं पे हो सकता है अकाल पड़ गया, खाने पीने का अभाव हो गया, ठीक, तो वहां भी हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वहां उनका सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो हमारा कोई भाव तो होगा ना जी। जी तो दया का भाव है वहां पर, उनको आवश्यकता है सुविधाओं की, हमें उपलब्ध कराई। अब करुणा का भाव तो है ही, तो सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे, तो समझ भी उपलब्ध कराएंगे, सही भाव भी उपलब्ध कराएंगे, सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। बट अपने को दिखता है कि सुविधा है ना थर्ड प्रायोरिटी है, मुख्य मुद्दा तो सही समझ सही भाव का है। तो अगर कहीं अकाल भी पड़ गया तो हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे, बट हम वहाँ ये भी देखेंगे कि अल्टीमेटली किस कारण अकाल पड़ गया, कहीं समझ का भाव रहा था कि नहीं, संबंध का भाव रहा था कि नहीं। तो अगर समझ का भाव रहा है तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे, लोगों में समझ इंश्योर करेंगे। भैया मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ही है, मेरा ये क्वेश्चन है कि मानव मूल्य है क्या ये दया कृपा करुणा धीरता वीरता उदारता, या ये मानव स्वभाव है? दोनों एक ही है, स्वभाव को ही मूल्य कहें। अच्छा। स्वभाव का मतलब भी स्वयं में स्वीकृत भाव, और स्वीकृत भाव क्या होता है, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। तो जो चिंतन की वस्तु है वो मूल्य भी कह सकते हैं उसको, स्वभाव भी कह सकते हैं, संबंध भी कह सकते हैं, भागीदारी भी कह सकते हैं, एक ही वस्तु को इंगित कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि भैया पहले वाले सभी साइड में आया था ना कि मानव मूल्य 30 है, कुल मिला के 30 है जी। वो मानव मूल्य ही नहीं थे, वो सारे मूल्य जोड़कर कहा कि चिंतन की वस्तु के रूप में देखें तो 30 मूल्य हैं, उसमें कुछ स्वयं में मूल्य हैं, कुछ मानव के रूप में जीते हुए मूल्य हैं, कुछ संबंध के मूल्य हैं, कुछ सुविधा के साथ जीते हुए मूल्य हैं। तो कुल मूल्य को जोड़कर कहा तो 30 कहा, तो सारे मानव मूल्य हैं ऐसा नहीं। ठीक है भैया। तो दया का मतलब है कि जिसके पास पात्रता है परंतु वस्तु नहीं है, उसे वस्तु उपलब्ध करा देना दया है। तो अभी जैसी बात हुई थी, तो वस्तु के रूप में देखें तो तीनों चीजें हैं, समझ, संबंध और सुविधा। तो समझ के लिए सही प्रस्ताव पहुंचा पाना, तो अगले व्यक्ति के अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस को इनिशिएट कर पाना, उसको सेल्फ अवेयरनेस की ओर ले जाना, उसके लिए गाइडेंस उपलब्ध कराना, सेल्फ इवैल्यूएशन में सहयोग करना, ये सारा कुछ उसमें जुड़ जाता है। संबंध में सही भाव पहुंचाना, हो सकता है अगला व्यक्ति अभी समझ पर स्थिति सीधे ध्यान नहीं दे पा रहा है, परंतु हमारा व्यवहार में तो सही भाव पहुंचेगा ही। तो अगला व्यक्ति आए हमारे घर पर, हो सकता है अभी समझने में इंटरेस्टेड नहीं है, परंतु हम सही भाव से ही तो निर्वाह करेंगे, तो सही भाव भी एक प्रस्ताव है। अगला व्यक्ति अगर हमारे घर से भी जाएगा तो जब भी हमारे बारे में विचार करेगा तो उसको स्नेह का भाव याद आएगा, उसके अंदर उस स्नेह का भाव पहुंचा है उसकी स्मृति बनी रहेगी, संबंध का भाव पहुंचा है उसकी स्मृति बनी रहेगी। और यदि कहीं सुविधा की आवश्यकता है तो वो भी उपलब्ध कराना, जैसे कोई घर पर आए हैं तो उनके लिए हम सुविधा की व्यवस्था तो करेंगे ही। तो वस्तु के रूप में तीनों ही है, सही समझ, सही भाव और सुविधा, परंतु इसमें जो प्रायोरिटी दिखती है वो सही समझ की है।
सही समझ के लिए स्वयं में काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर सही भाव रहता ही है और आवश्यकता की हम ठीक ठीक पहचान कर पाते हैं, उसके लिए सुविधा को उपार्जित कर पाते हैं, उपलब्ध करा पाते हैं। ये हम अपने संबंधी के साथ भी करते हैं। इसी को जब हम एक मानव के रूप में जी रहे हैं समाज में, किसी व्यक्ति विशेष के साथ निर्वाह की बात नहीं है, तो हमारा पूरा जीना ही ऐसा होता है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को देखें या हमें हम ऐसे जी रहे हो, कोई हमारी तरफ ध्यान दे, तो दिखता है कि हम अपना तन मन धन समाज के हर व्यक्ति को समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए लगा रहे हैं कि नहीं हर व्यक्ति में सही समझ सही भाव इंश्योर हो जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो ये जब हम वैसा जी रहे होते हैं तो अगले व्यक्ति को इस रूप में हम एक मानव के रूप में दिखाई देते हैं। तो भाव के रूप में देखें तो दया है, कृपा है, करुणा है, है ना, इसलिए इसको मानव मूल्य का। एक मानव के रूप में जीता हुआ हमारी भागीदारी किस प्रकार की होगी? तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये 6 भाव का है। तो अपने अंदर ज्ञान समाधान होता है तो धीर होते हैं, दूसरे को समाधानित करने के लिए तत्पर हैं, इस अर्थ में वीर होते हैं, अपना तन मन धन लगाने के लिए तत्पर हैं, उदार हैं। और उसी को जब और फैल के देखते हैं तो जहां भी कोई व्यक्ति है जिसके पास पात्रता है और वस्तु नहीं है, उसको पहुंचाने के लिए तत्पर है, वस्तु पहुंच गई है, पात्रता विकसित नहीं हुई है, पात्रता को विकसित करने के लिए तत्पर है। और हर एक मानव के प्रति ऐसा हमारे अंदर भाव बना हुआ है कि हर एक मानव सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए, उसके लिए मेरा तन मन धन है ना लग जाए, ये जो भाव है ये करुणा के रूप में दिखाई देता है, इसको मानव मूल्य कहा। इसके बाद देखें तो संबंध के मूल्य, इन मूल्यों पे उन्होंने वर्कशॉप में काफी एक्सप्लोरेशन भी किया है, परंतु अभी भी यदि कोई भाव स्पष्ट ना हो उस पर बात कर सकते हैं। तो विश्वास का मतलब कि जब मैं अपने आप को एक चैतन्य इकाई के रूप में देख पाता हूँ, अपने आप को शरीर के साथ सहस्तित्व में देख पाता हूँ, तो अगला व्यक्ति मुझे ऐसा ही दिखाई देता है। जब अपनी सहज स्वीकृति को स्वयं में देख पाता हूँ तो अगले की भी सहज स्वीकृति को देख पाता हूँ। सहज स्वीकृति क्या है? सुखी होना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं। ये जो हमारे अंदर दिखा चिंतन में, उसको नाम दिया विश्वास। तो चैतन्य इकाई का स्वभाव क्या है, चाहती क्या है? सुखी होना चाहती है, सुखी करना चाहती है, ये मुझे सहज रूप से दिखाई देता है। कर पाए ना कर पाए, स्वयं को सुखी कर पाए, अगले को सुखी कर पाए ना कर पाए, चाहने में कोई शंका नहीं रह जाती। किसी इकाई का चैतन्य होना इस बात के लिए पर्याप्त है कि मुझे उसकी चाहना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सम्मान का अर्थ हुआ कि हम अपना सही सही आकलन कर पाते हैं, तो दूसरे का भी सही सही आकलन कर पाते हैं। तो मुझे दिखता है कि हर मनुष्य की चाहना वही है, हर मनुष्य में वही क्षमता है समझने की, हर मनुष्य के समझने का वही कार्यक्रम है, प्रस्ताव पूर्वक जांचना, जीकर देखना, और बस समझ में कमी या ज्यादा हो सकता है। कोई कम समझदार है, कोई ज्यादा समझदार है, तो कितना समझदार है, जिम्मेदार है, इसका मैं आकलन करता हूँ, इसको कहा सम्मान। मैं अपना स्वयं का भी करता हूँ, मैं दूसरे का भी करता हूँ। मानव मूल्य जो अभी हमने समझा, धीरता, वीरता, उदारता और दया, कृपा, करना, इसमें अपने आप में थोड़ा कुछ कंफ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, उसको मैं थोड़ा समझना चाह रही हूँ। जैसे जब ये करने जाते हैं, मतलब समझ में आता है करना चाहिए, ये भी लग रहा है, दो तीन दिन से मैं ये प्रश्न में वहीं पे हूँ अभी भी, कि करने का एक तो मन भी होता है, कई बार करते भी है, पर उसमें अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, मतलब करने तृप्ति का भाव नहीं दिखता है। कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाले को जरूरत नहीं थी तो भी मैंने किया, या सामने वाला तो समझना ही नहीं चाहता है तो भी हम कर जा रहे हैं, क्या मतलब उसमें एक समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जैसे कि बाबा जी कई बार का जो मैंने सुना है कि सिर्फ प्रस्ताव देना है, छोड़ देना है, चाहे वो मैं अपने बच्चे के लिए देखूं या घर में किसी भी बाकी और किसी लोगों के लिए देखूं, तो जरूरत तो हर जगह दिख रही है, पर सामने वाला समझने के लिए कोई उसकी इच्छा ही नहीं दिख रही है, फिर भी हमको बहुत दिख रहा है कि अरे उसकी तो बहुत जरूरत है, मतलब वो दया वाली बात भी दिख रही है, उसको तो बहुत जरूरत है, उसको तो करना ही चाहिए, और खुद में दिखती है, इसलिए भी दिखती है कि मुझे जब इतनी ये चीज मिली है और मुझे इतना सही लग रहा है, इसकी हाइट और डेप्थ, पर किसी को उसकी जरूरत ही नहीं दिख रही है, तो हम क्या करें? ऐसी स्थिति में कई बार मैं अपने आप में फंसती हूँ, तो मैं उसको कैसे समझूं, मतलब ये धीरता, वीरता, उदारता और दया, कृपा, करुणा को अपने अंदर कैसे प्लेस करूं कि
दूसरे के साथ भी न्याय कर पाऊं और खुद के साथ भी न्याय, मैं अपना प्रश्न रख पाई भैया जी? जी अपना प्रश्न अच्छे से रखें। देखिए क्या हो रहा है, एक तो अभी ये मूल्य हमारे चिंतन में आए नहीं है तो उसको लेकर अपने अंदर उलझन द्वंद है ना, प्रश्न बने रहते हैं। दूसरा ये जो संबंध की पहचान है, हो सकता है उसमें चूक हो गई। अभी हम संबंध को कहाँ देख रहे हैं, पति पत्नी, बच्चे, माँ पिता, भाई बहन है ना, थोड़ा और आगे बढ़ गए थे लॉज को भी जोड़ लिया, अभी हमको यही संबंध लगता है। नहीं तो अभी तो दिख ही रहा है कि समाज में इतने सारे जिज्ञासु लोग हैं कि नहीं, उन तक हम पहुंच पाए। अभी भी देखिए सेशन में 200 से ऊपर हम साथी जुड़े हुए हैं, है ना जी भैया जी। पर ऐसे लगता है जैसे कि मैं यदि घर पे रहती हूँ तो मैं पहले घर ही नहीं संभाल पाऊंगी, तो दुनिया में ज्ञान बांटने तो निकल गए, और ज्ञान तो बहुत तो मेरे को दिख रहा है पर घर तो पूरी हालत खराब है जी। जी ये एक फसावट है। हाँ ये एक लगता है मेरे मन में कई बार आती है बात कि जैसे मैं मतलब कि भाई बोलने को तो बहुत कुछ है पर खुद ही अपन व्यवस्थित नहीं है, अपना घर ही व्यवस्थित नहीं है, तो एक वो गलत लगता है, मतलब मेरे मन में ही मुझे ये चीज गलत लगती है। हाँ इसमें कई लोग फंस जाते हैं, है ना। देखिए ऐसा नहीं है कि पहले परिवार व्यवस्थित हो जाएगा तब समाज के लिए काम करेंगे। अब परिवार कैसे व्यवस्थित होगा जब हम समाज में निकलेंगे ही नहीं, तो समाज के लिए हम काम करेंगे साथ साथ परिवार में भी भागीदारी करेंगे। अब कोई इसको और सोचे कि परिवार में कैसे काम करें जब तक स्वयं में व्यवस्थित नहीं हो गए, जब तक स्वयं में अनुभव नहीं हो गया तब तक परिवार में क्या बात रखें, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो जी कर देखना है वो तो चारों स्तर पर होगा, तो स्वयं के स्तर पर भी जियेंगे, परिवार के स्तर पर भी जियेंगे, समाज के स्तर पर भी जियेंगे, प्रकृति के स्तर पर भी जियेंगे। और जब जियेंगे तो प्रस्ताव तो रखेंगे ही, जीने में सहयोग करेंगे ही, सुखी होने समृद्ध होने में सहयोग करेंगे ही। तो ऐसा नहीं कि परिवार पहले व्यवस्थित हो जाएगा तब समाज में निकलेंगे। परिवार भी जीने का अवसर है, समाज भी जीने का अवसर है। मैं स्वयं भी अपने आप में जीने का एक अवसर हूँ, तो मैं अपने ऊपर भी काम करूंगा, परिवार के साथ भी काम करूंगा, समाज के लिए भी काम करूंगा, प्रकृति के लिए भी करूंगा। अभी कई बार ऐसा लोग फंस जाते हैं, अब कहीं ना कहीं से वो हमारे विचार में चूक हो जाती है कि पहले परिवार ठीक हो जाए तो समाज के लिए आगे बढ़ेंगे। अब परिवार ठीक कैसे होगा, अब उन व्यक्तियों की जो पात्रता है जो परिवार में है, तो अगर उनकी पात्रता भी विकसित नहीं हुई है, जिज्ञासा नहीं विकसित हुई है और आप उनके पीछे पड़े रहे तो फिर रिएक्शन आएंगे, तो ये भी न्याय नहीं हुआ। तो ये भी न्याय नहीं हुआ है ना। और जो बाहर जिज्ञासु खड़े हैं उन तक हम पहुंचेंगे कि नहीं, तो बाहर जिज्ञासु हैं उन तक हम नहीं पहुंच रहे हैं, उनके अंदर जिज्ञासा है, समझना चाहते हैं, हमने रोक रखा अपने आप को, ये उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ। तो मुद्दा न्याय का है, तो न्याय हम हरेक के साथ करेंगे। तो जब हम न्याय सुनिश्चित करने जाते हैं तो वह परिवार फैलता हुआ दिखाई देता है, पूरे विश्व परिवार के रूप में दिखाई देता है, वो चार छह लोग हम परिवार के रूप में नहीं देखते हैं फिर, कि नहीं? जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया जी। पर इसमें वही मैं समझना चाह रही हूँ कि जैसे अभी मैं पूरा तो नहीं समझती हूँ, ये मुझे समझ में ही आ रहा है, पर मैं जैसे जो जो भी समझ रही हूँ पिछले 4 साल से, तो मुझे ये सही लग रहा है, ये है इसीलिए हम अपना तन मन लगा रहे हैं, है ना। तो सही है, जरूरत है, सबकी जरूरत है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है, पर मैं पूरा समझ गई हूँ ये तो मैं अभी बोल ही नहीं सकती हूँ। और आप जैसा बोले कि जब तक मुझे अनुभव नहीं होगा तब तक मैं ये बोल ही नहीं पाऊंगी, पर उसके लिए तो मेरी जिंदगी शक किया था। पहले ध्यान से सुनिए, आपने बिल्कुल उल्टा सुन लिया। मैं कहा कह रहा हूँ कि पहले जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक बोल नहीं पाएंगे, मैं तो उसकी उल्टी बात कह रहा हूँ कि अनुभव हाँ, कैसे हो उसकी बात बोल रहे हैं, पर मुझे वही कंफ्लिक्ट हो रहा है कि मतलब मैं तो पूरा नहीं समझी हूँ अभी ना, फिर तो मैं कहा कह हूँ यदि मैं शेयर करती भी पढ़ू पढ़ती हूँ जी। रखू जी सुनिए पहले थोड़ा सा, है ना। तो ये कहा ही नहीं जा रहा है कि आप पूरा समझ जाएंगे तब व्यवहार करेंगे, कहाँ जा रहा है। व्यवहार तो हर व्यक्ति के साथ करते ही हम, जितना समझ गए उसके आधार पर व्यवहार करेंगे, फिर अपना मूल्यांकन करेंगे, फिर समझ के लिए और काम करेंगे। हाँ तो उसमें ये होता है जैसे मैं जहाँ पे भी होती हूँ, सपोज मैं घर पे हूँ या घर के बाहर, तो घर में तो कोई पहली बात सुनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि घर के लोग तो आपको जो भी मान के बैठे या जो भी समझ के बैठे, तो वो तो आप कमी पड़ते मैं मेरे में देख पाती। अभी रुक जाइए, अभी इस पे एक करके चलते हैं, कल भी आपने काफी देर तक बात रखी थी। देखिए ऐसा नहीं घर के लोग समझना नहीं चाहते, अभी हम उनके मुख से नहीं समझना चाहते। हाँ तो आपके व्यवहार में चूक हुई है पहले,
इसलिए आपसे नहीं समझने की इच्छा बन पाई है। चाहने में कमी नहीं है, समझना चाहते हैं, आपसे समझने की तैयारी नहीं है। आपसे समझने की तैयारी नहीं है कि व्यवहार में हो सकता कई जगह अन्याय हुआ होगा, व्यवहार में चूक हुई है, दुखी किया होगा आपने, एक संभावना है ये, है ना। तो आपसे समझने को तैयार नहीं है, तो ऐसा नहीं समझना नहीं चाहते, ठीक, समझना चाहते हैं, आपसे नहीं समझने को तत्पर है, इतना भर है। तो ये दिखता है अपने को कि मुझे स्वयं में समझ के लिए काम करना है, तो उसको हम निष्ठा पूर्वक करें। और जो पहले बात हो रही थी कि अभी तक जो हमने व्यवहार में चूक किया है ना, उसको भी जाकर हम ध्यान देंगे, उसके भी कहीं पे चूक हुई है और हमको लगता है हमसे चूक हुई, जाकर अगले व्यक्ति से हम संवाद करेंगे, रखेंगे उसको कि हाँ यहाँ मेरी चूक थी, गलत था मैं, इसको मैं सही करने की दिशा में हूँ, इसको भी करेंगे। तो जो पहले हमसे चूके हुई हैं व्यवहार में उसको भी ध्यान देंगे, उसको स्वीकारेंगे और आगे के लिए काम करेंगे। तो ये तीन चार तरह की चूके हो रही हैं। एक तो ये कि हमको परिवार के संबंधियों में उनके चाहने पे शंका बन गई है, एक बात। उसमें भी ऐसी क्या होता है, मतलब मैं मेरा पर्सनल का ही बोल रही हूँ फिर, कि जैसे मैं तो एक ही हूँ, मैं अपने जो थॉट प्रोसेस के साथ हूँ वो मैं हर जगह वैसे ही रहती हूँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरी समझ तो एक लेवल पे है, वो भले ही मम्मी के साथ हो या बेटी के साथ हो या हस्बैंड के साथ हो या फादर के साथ हो, है ना, हर रिश्तों में मैं एक समझ के साथ हूँ। अब पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है, मम्मी हो या बेटी हो, मतलब कोई मुझे किसी जगह पे सही मानता है और वही जगह पे मैं तो वैसी होती हूँ, पर दूसरा व्यक्ति उस चीज को गलत मानता है, तो मैं अपने आप में तो एक ही हूँ। तो समस्या क्या है, समझ है वो, अगर वो मानता है, दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि अगला व्यक्ति मानता है ना, पर चाहना है उसकी ठीक, तो ठीक है, तो मानने पे ही तो काम कर रहे हैं हम सभी, हम सबके गहरे गहरे संस्कार हैं मानने के आधार पर, उसमें तो परिमार्जन के लिए सारा काम कर रहे हैं, इस बात को देखते हुए कि चाहना मेरी भी ठीक है, अगले व्यक्ति की भी ठीक है जी। और अगला व्यक्ति मेरी बात मान ले जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करने लगे, इसमें कोई उपकार नहीं अगले व्यक्ति का जी, बिल्कुल, जांचेगा नहीं। तो अगला व्यक्ति आपसे प्रश्न कर रहा है, उसको जांच कर रखिए, है ना, अगले व्यक्ति को जांचने में सहयोग करिए, हमको दिखाई दे कि अगला व्यक्ति सुखी ही होना चाहता है, ठीक है ना, और जो कर रहा है इसलिए कर रहा है कि उसमें उसको सुख लग रहा है, ठीक, हम उसका मूल्यांकन करने में सहयोग करें, इसमें जो सुख लग रहा है आपको उसमें निश्चितता है कि नहीं, निरंतरता है कि नहीं, सार्वभौमिकता है कि नहीं, ऐसा कोई तृप्ति बिंदु है कि नहीं, ऐसा करते हुए आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं, हम अपने आप में देखेंगे, अगले को भी देखने में सहयोग करेंगे कि नहीं। तो एक तो ये चाहने पे शंका बन जा रही है, ये ठीक नहीं, इस पर ध्यान देंगे। दूसरा, परिवार की जो परिभाषा हमने बना ली है वही चार छह लोग, माँ है, बेटी है, हस्बैंड है, ऐसा नहीं, परिवार तो उनको फैलता हुआ दिखाई देता है, है ना। तो जो भी व्यक्ति है, अगर कोई जिज्ञासु है तो उस तक पहुंच पाना है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, वो भी मेरे परिवार का ही सदस्य है। बस मैं वही समझना चाह रही हूँ कि मैं वो ही लाइन अपने लिए क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं वो चार दीवारी जो मैंने बना ली है उससे मैं निकल नहीं पा रही हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे निकाल, वही मैं समझना चाह रही हूँ। उसी को निकालने क्रम में तो सुबह आपसे संवाद हो रहा है कि आपको ये संबंध का भाव हर मानव के साथ दिखाई दे, नहीं तो इसकी काफी संभावना है कि अपनी मदर के साथ या डॉटर के साथ आप कहीं ना कहीं रिलेशन को ओवर इवैल्यूएट करके उन पे डोमिनेट कर रही होंगी या उनको बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब कर रही होंगी, है ना, या असर्ट कर रही होंगी अपनी बात को, तो उससे परेशान होंगे। नहीं, मैं अपने आप में ये चीज में फंस रही हूँ कि जब मैं घर में ही व्यवस्थित नहीं जी पाऊंगी तो मैं बाहर कैसे जी पाऊंगी, और मतलब घर में लोगों को मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगी, अपनी बात नहीं समझा पाऊंगी। आपकी बात पहुंच गई, सुन लीजिए इसको, अब इसको थोड़ा सा रैशनली देखिए। अब आप ये भी सोच सकते हैं, जब तक मैं अपने आप में ही पूरे ज्ञान को सुनिश्चित नहीं कर पाऊंगी तो परिवार में कैसे पहुंच पाऊंगी। ठीक है ना, हाँ, अब अपने आप में कैसे आप पहुंचेंगी ज्ञान की पूर्णता तक, बिना जांचे हुए, बिना जी कर देखे हुए। तो आप विचार में भी देखिए तो विचार ही पूरा नहीं होगा इसका। जैसे अभी भी देखिए, हम सभी एक दूसरे को फैसिलिटेटर कह रहे हैं, को एक्सप्लोरर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मैं भी अपने आप में जांच रहा हूँ, जी कर देख रहा हूँ, उसी क्रम में आपका भी सहयोग कर रहा हूँ, उसी क्रम में परिवार का भी सहयोग करेंगे, समाज का भी सहयोग करेंगे और अपना भी सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे कहीं हमको ज्ञान हो जाएगा, नहीं, जो जी कर देखने वाली बात है
जीकर तभी देखेंगे ना जब परस्परता में निर्वाह करेंगे, परिवार में भी करेंगे, समाज में भी करेंगे। तो ये जो एक मान्यता आपने बना ली है उसको थोड़ा कहीं लिख लीजिए, है ना, उसको खुद बैठ के थोड़ा सा विश्लेषण करिए कि इस मानने इसको मानने का आधार क्या है, क्यों हमने मान लिया ऐसा। तो ये बहुत सारी चीजें हम मान लेते हैं, फिर मानकर हम खुद ही परेशान होते हैं। हम स्वयं में भी ज्ञान को कैसे पूरा करेंगे जब तक हम जीकर देखेंगे नहीं हर एक स्तर पर, और हर एक स्तर पर जिएंगे तो परिवार भी होगा उसमें, समाज भी होगा, प्रकृति भी होगी। अब समाज भी है ना, हो सकता है हम अपने मोहल्ले को ही समाज मानते हैं, अपने कुनबे को ही समाज मानते हो, अपने जाति को समाज मानते हो, तो ऐसा भी नहीं, समाज तो समाज है, पूरा विश्व ही समाज है, अखंड समाज है कि नहीं। इसको थोड़ा सा भी आप लिख लीजिए कहीं, इसको ठीक से इन्वेस्टिगेट करिए तो क्लैरिटी बनेगी। बिल्कुल भैया, भैया मेरा एक प्रश्न ये ऐसा बन रहा था कि जैसे जो ये 30 मूल्य है, अब इनको जैसे मैंने चयन आस्वादन में सूचना रूप में आपके साथ या जहाँ दर्शन से मिल ही रहा है, इसको मैं विचार में भी देख रहा हूँ कि ये ठीक है, ठीक लग रहा है। अब ये चित्त में यानी कि ये चित्रण में फैल रहा है या चिंतन में गया है, इसका प्रमाण कैसे पता चलेगा? और इसको थोड़ा टेक्निकली बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि जैसे मान लीजिए एक मूल्य है विश्वास मूल्य ले लिया, अब इसको चित्रण में फैलाया तो क्या होगा, और चिंतन में अगर ये आ गया है तो इसका प्रमाण क्या होगा, ये थोड़ा सा बताइए। प्रमाण, पहला प्रमाण तो ये आपको दिखाई दे, अन्यथा आपके अंदर कोई भाव नहीं तैयार होगा। एक बार विश्वास का भाव चिंतन में आ गया तो आपके अंदर कभी अविश्वास का भाव नहीं आएगा। तो अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहना हो तो ऐसा कहेंगे। अच्छा, और वो सभी के प्रति रहेगा ऐसा है ना? अब अगर विश्वास का भाव सबके प्रति लागू होता है सबके प्रति रहेगा, ऐसा नहीं इनके प्रति विश्वास उनके प्रति नहीं है। तो अगर विश्वास का भाव मेरे चिंतन में आ गया है तो मुझे सहज रूप से दिखता है कि हर मनुष्य दूसरे को सुखी करना चाहता है, तो ऐसा कभी मेरे अंदर शंका बनेगा ही नहीं कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है या कोई किसी को दुखी करना चाहता है। ये मेरे अंदर एक क्षण के लिए भाव नहीं आएगा, मुझे सहज रूप से दिखता है कि नहीं, चाहना तो वही है, नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि योग्यता नहीं बनी है। अगर उसके दूसरी तरफ देखें, अगर ये शंका हो रही है कहीं पे, कोई घटना हुई, किसी क्षण में भी शंका हो रही है कि नहीं दुखी करना चाहता था चाहे मुझे अगले व्यक्ति को, यानी हमारे चिंतन में नहीं आया। और चित्रण में आने का क्या मतलब है भैया? चित्रण मतलब मैं विश्वास पूर्वक जीते हुए चित्रण करूंगा कि अगर मुझे हर व्यक्ति की चाहना पे आश्वस्ति हो तो मेरा जीना कैसा होगा, मैं अपने ऑफिस में कलीग से कैसे व्यवहार करूंगा। किसी को हमने कहा कि ये काम करके कल सुबह देना है, उसने नहीं दिया, तो क्या मैं उस पर झल्ला जाऊंगा, गुस्सा जाऊंगा, या मुझे समझ में आया कि अगले ने क्यों नहीं किया होगा, अगले की इच्छा नहीं बनी करने की, क्यों नहीं बनी, उसका अपना कोई गहरा संस्कार बना हुआ है कि एक बार में कहने से थोड़े किया जाता है, जब चार बार कहा जाता किया जाता है। तो अब ये सारी बातें समझ में आती है। तो चित्रण करते हैं हम विश्वास के भाव के साथ, जब चित्रण करते हैं तो उसके साथ ही अपने जीने को जोड़ कर देखते हैं हर एक लेवल पे। मैं बैठा बैठा किसी के प्रति विरोध का भाव नहीं रखूंगा, स्वयं में चित्रण करूंगा जब भी किसी व्यक्ति के बारे में तो कोई विरोध का भाव नहीं होगा, जब निर्वाह करूंगा कहीं भी रिएक्शन नहीं होगा, समाज में जाऊंगा कोई भी अपराधी हो, जितना भी जघन्य अपराधी हो, है ना, उसके प्रति हमारे अंदर कोई रिएक्शन नहीं आएगा, बल्कि यही दिखाई देगा कि इसके अंदर कैसे सुधार हो। ठीक है भैया। अच्छा भैया, एक वैसे थोड़ा सा अलग से टाइप से क्वेश्चन है, जैसे इस विधि से अध्ययन और अभ्यास विधि से अनुभव तो अभी जैसे किसी को हुआ हो इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन क्या साक्षात्कार हुआ है लोगों को? देखिए, अब ये जिनके हुआ है उनसे पूछेंगे कि आपके चिंतन में कोई भाव स्पष्ट हुआ है कि नहीं, है ना। अब अगले व्यक्ति के बारे में हम क्यों क्लेम करें, हम अपने आप में देखेंगे कि मेरे अंदर ये भाव सुनिश्चित हुआ कि नहीं। अगला व्यक्ति कह भी दे कि मुझे हुआ है, ठीक है, उससे तो उसका उपकार हुआ, है ना, नहीं, ये तो स्वयं देखना है। भैया प्रश्न पूछने का उद्देश्य इतना था कि अगर हुआ है लोगों को तो अपना भी उत्साह बढ़ता है, बाकी और कोई बात नहीं है, वैसा कोई किसी को एवलुएट नहीं करता है। हाँ नहीं, ठीक बात है। देखिए, अगर हम पूरी परंपरा का अध्ययन करें, समाज का अध्ययन करें, तो ऐसे आचरण से जीते हुए लोग दिखाई देते हैं अपने को, है ना, जिनको हम पूज्य व्यक्ति के रूप में रखते हैं, तो ऐसे लोग दिखाई देते हैं। और ये भी दिखाई देता है कि कोई विशेषता नहीं है, वो मुझ में भी हो सकता है। अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं बनी है तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, प्रायोरिटी बन जाती मैं ध्यान देता हूँ,
ध्यान देता हूँ दिखाई देता है, क्योंकि अस्तित्व तो वही है। ठीक है, तो जैसा अगले व्यक्ति को दिखाया वही अस्तित्व मुझे भी उपलब्ध है, मैं ध्यान दूंगा मुझे भी दिखाई देगा। ठीक है भैया, ठीक, थैंक यू। मैं थोड़ा सा शेयरिंग करूंगी, जहाँ पर हमने फाउंडेशन वैल्यू रिस्पेक्ट और लास्ट में कंप्लीट वैल्यू प्रेम, इन वैल्यूज के बीच में तो मैंने इतना ज्यादा वर्क नहीं करा, पर मैंने रिस्पेक्ट और लव के ऊपर जो भी वर्क करा उसका मेरे को बिल्कुल एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। क्योंकि रिस्पेक्ट में जब आपने कहा कि सामने वाला मेरे जैसा है, मैं उसको अपने जैसा समझूं, जैसा मैं हूँ वैसा वो है, तो उस रिस्पेक्ट से बहुत आउटपुट निकल के आया। और जो ह्यूमन वैल्यू में जो लव के ऊपर जो बाकी है कि लव फॉर ऑल सेम है, सबके लिए प्यार होना चाहिए, चाहे हम कोई हमारे घर में काम करने वाली हो, चाहे वो कोई पड़ोसी हो या फिर कोई स्टूडेंट हो या फिर मेरा कुलीग हो, तो इन दो पे ज्यादा फोकस मैंने करके देखा तो वाकई में पॉजिटिव रिजल्ट आए। और मेरे में खुद में सेल्फ में बहुत सारी चेंजेस आए, बहुत सारी, यानी कि जो मैं कह सकती हूँ अब 50 से वो 60% फिर सर आप कहेंगे कि वो परसेंटेज नहीं डालने, तो आधे से ज्यादा मेरे में मैंने समझा और समझ के निर्वाह करने की कोशिश करी। और वो जो निर्वाह करा मैंने अगले को भी, भाई मेरे मैं ने जब दूसरे मैं के साथ रिस्पेक्ट के साथ मानव व्यवस्था को बनाए रखने का व्यवहार जो अनुभव करा, तो उसने भी और 10 लोगों के साथ करा। ऐसे मेरे को लगा लोगों से सुनने में आया कि उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ऑब्वियसली सर ये चेंज तो है ये समाज में, तो ये जो कंट्राडिक्शन है हमारे में, अगर हम उसको ही थोड़ा सा डाउन कर दें, खत्म ही कर दें, तो वो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आता, बहुत ही अच्छा आता सर। इतना एक ऐसा हार्मनी में आदमी चला जाता है ना, वो क्या ऐसे लगता है कि धरती में लोग कहते हैं कि स्वर्ग नहीं है, तो वो सर ये क्रेडिट आपको जाता है लोगों को स्वर्ग दिखाने का। सर ये तो कोई भी दो राय नहीं है इसमें सर। और मैं भी इसमें समझने के क्रम में हूँ, मैं भी एक को एक्सप्लोरर हूँ आपकी तरह, तो हम सभी समझने में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, है ना, हम सभी एक दूसरे की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। जी जी जी, बढ़िया बढ़िया दीदी, अब थोड़ा आगे चलते हैं। जी जी, तो सम्मान का मतलब है राइट इवैल्यूएशन, है ना, कि मैं ठीक ठीक आकलन कर पाऊँ। ऐसा दिखता है मुझे कि हर व्यक्ति की चाहना ठीक है, हर व्यक्ति में समझने की क्षमता है, हर व्यक्ति के समझने का निश्चित कार्यक्रम है ना, कितना समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं इसका मैं आकलन करता हूँ। स्नेह का मतलब हुआ कि जब मुझे स्पष्टता होती है, चाहना दिखाई देती है, क्षमता पे आश्वस्ति होती है, कार्यक्रम पे आश्वस्ति होती है और योग्यता में कमी दिखाई दे रही है मात्र, तो मैं उसे स्वीकारता हूँ। ये एक सहज भाव है, मैं अगर सम्मान को सुनिश्चित कर पाता हूँ अपने आप में तो स्नेह का भाव बनता ही है, कि मैं दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारता हूँ, मेरे अंदर अब दूसरे के प्रति पूरकता का भाव होता है, ना कि कोई विरोध का रिएक्शन का भाव होता है। फिर उसके बाद मैं उसके शरीर का भी ध्यान रखता हूँ आवश्यकता अनुसार, और अगले व्यक्ति के समझ को विकसित करने का एक भाव रखता हूँ, तो गाइडेंस की फीलिंग भी होती है कि अगले व्यक्ति के अंदर सही समझ सही भाव सुनिश्चित हो जाए। तो ये जो 5 भाव हुए है ना, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को देखने को हर एक के प्रति होता है, अफेक्शन केयर एंड गाइडेंस आवश्यकता अनुसार हम निर्वाह करते हैं। रेवरेंस की अगर हम बात करें तो जब मुझे कोई ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं साथ जीते हुए या परंपरा में, जिनके अंदर हमें ज्ञान की पूर्णता दिखाई देती है, आचरण की पूर्णता दिखाई देती है, तो उनके प्रति जो भाव हमारे अंदर तैयार होता है, सुखा श्रद्धा है ना, सहज भाव है ये कि मैं भी श्रेष्ठ होना चाहता हूँ और किसी को मैंने श्रेष्ठता में पूरा पाया तो मेरे अंदर क्या भाव बनेगा। अगर हम अपने आप पूछे तो मेरे अंदर क्या भाव बनेगा कि मैं जिस चीज को अपने आप में सुनिश्चित करना चाहता हूँ उसमें मुझे कोई व्यक्ति पूरा दिखाई दे रहा है, उस क्षण सहज रूप से मेरे अंदर जो भाव बनता है वो श्रद्धा का भाव है। ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं समाज में, परंपरा में, जो भले ही श्रेष्ठता की पूर्णता को तो सुनिश्चित ना कर पाए परंतु निष्ठा में कोई कमी नहीं रही, अपने आप को लगाया, अपने तन मन धन को लगाया, तो उनके जब प्रयासों का हम स्मरण करते हैं
तो उनके प्रति जो भाव बनता है उसका गौरव। और वैसे ही जो लोग हमें श्रेष्ठ बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके जब हम किए गए प्रयासों का स्मरण करते हैं उनके प्रति जो भाव बनता है उसका कृतज्ञता। अब इन भावों को जांचते हुए जीकर देखते हुए हमारे अंदर एक स्थिति बनती है कि मैं हर एक मानव के साथ संबंध को देख पाता हूँ, इसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार स्वीकारते हुए उसके साथ संबंध अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार पाता हूँ। मानव होना पर्याप्त है, मानव के रूप में मुझे दिखाई देता है तो उस पर मैं संबंध को देख ही पाता हूँ, संबंध में मेरे अंदर सही भाव बनता ही है, अगले के साथ पूरकता का भाव बनता ही है। ये जो भाव है इसको कहा प्रेम, तो प्रेम को कहा पूर्ण मूल्य, ट्रस्ट को कहा फाउंडेशन वैल्यू आधार मूल्य। तो चाहने पे आश्वस्ति से शुरुआत है, ठीक है ना, और हरेक के साथ संबंध को देख पाना उसको पूरक हो पाना ये पूर्ण मूल्य है। तो मानव मानव संबंध में देखें तो ये नौ मूल्य दिखाई देते हैं। ये स्थापित मूल्य कहा क्योंकि ये भाव मेरे अंदर स्थापित होते हैं, तो इन भावों के साथ मैं बना हुआ हूं तो मेरे आचरण में किस प्रकार जाएगा, अगले को कैसा दिखाई देगा। जैसे मेरे अंदर अगर चाहना पे आश्वस्ति बनी हुई है तो अगले को कैसा दिखाई देगा, या मैं स्वयं ही अपने आचरण का मूल्यांकन करूंगा तो क्या दिखाई देगा, उसको कहा शिष्ट मूल्य। तो विश्वास का जो शिष्ट मूल्य है उसको कहा सौजन्यता। सौजन्यता मतलब कि जब मुझे चाहना पे आश्वस्ति बनती है तो मैं दूसरे व्यक्तियों के साथ जुड़ पाता हूँ, कनेक्ट हो पाता हूँ, रिलेटेड फील करता हूँ। तो मेरे जीने में कैसा दिखाई देगा, सहयोगिता, सहकारिता, सहभागिता। तो मैं दूसरे के साथ खड़ा हो पाता हूँ, उसकी जैसी भी योग्यता है, उसके घर की जैसी परिस्थिति है, उसके स्वयं की जो भी स्थिति है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ, सहयोगिता। उसके साथ मिलकर मैं काम कर पाता हूँ, कार्य में भागीदारी कर पाता हूँ, सहकारिता। और उसके साथ जो भी उसकी भागीदारी बनी हुई है भिन्न भिन्न स्तरों पर जीने में, उसे मैं भी सहभागी हो पाता हूँ। तो ये इस रूप में दिखाई देगा। अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो मैं दूसरों के साथ जुड़कर कितने अच्छे से काम कर पाता हूँ, दूसरों को कितना स्वयं के साथ जोड़कर देख पाता हूँ। तो मेरे आचरण में क्या दिखाई देगा कि मैं टीम वर्क कर पाता हूँ। अब हमें दिखाई देगा कई बार कॉलेज में, है ना, समाज में ऐसे लोग होंगे जो किसी स्किल में तो बहुत पारंगत होंगे बट टीम वर्क नहीं कर पाते, किसी के साथ जुड़कर काम नहीं कर पाते, किसी को अपने साथ जोड़ नहीं पाते, किसी के साथ भी जुड़ने जाते हैं या काम करने जाते हैं कुछ ना कुछ खटपट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, टीम टूट जाती है, है ना, एक दूसरे के प्रति शिकायत से भर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये आचरण में दिखाई दे रहा है। तो विश्वास का भाव होगा तो ऐसा नहीं होगा, विश्वास का भाव होगा तो ये सब समस्याएं दिखाई देंगी, सहयोगी नहीं हो पाते हैं, सहकारी नहीं हो पाते हैं, सहभागी नहीं हो पाते अगले व्यक्ति के साथ। तो शिष्टता किस रूप में दिखाई देगी, जो इंडिकेटर है क्या दिखाई देगा, इस रूप में दिखाई देगा कि मैं टीम वर्क कर पाता हूँ, मैं दूसरा जुड़ पाता हूँ, है ना। कोई काम मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि मुझे अपने को सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट देके रखना है, मुझे अपने नाम को, है ना, अपने नाम की और सबका ध्यान आकर्षण कराना है कि नहीं, ऐसा नहीं कि उस काम को करते मुझे अपनी पहचान बनानी है, नहीं, मुझे दिखता है कि अल्टीमेटली संबंध के भाव के साथ हमें व्यवस्था में भागीदारी करनी है। तो ये हम जितना ठीक से कर पा रहे हैं उतना हम कहेंगे कम से कम विश्वास के भाव का हम चित्रण कर पा रहे हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे तो कई बार हमें संस्कार में भी दिखाई दिया, कुछ लोग टीमिंग कर पाते हैं, टीम वर्क कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, साथ में चल पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, है ना, कुछ संस्कार में भी होता है। परंतु जो हमारे अंदर विश्वास का भाव स्थापित होता है तो सहज रूप से हमारे अंदर ये योग्यता दिखाई देती है ना, कि हम साथ साथ जुड़ के जी पाते हैं, रह पाते हैं, काम कर पाते हैं, व्यवहार कर पाते हैं कि नहीं, और वो बढ़ता है फिर। वैसे सम्मान का भाव अगर मेरे अंदर स्थापित होता है तो मेरे आचरण में अरहस्यता दिखाई देती है। अरहस्यता मतलब जैसा मैं अपना स्वयं का मूल्यांकन करता हूँ वैसा प्रस्तुत होता हूँ, ये लुका छिपी नहीं है ना, कि मैं अपने आप में तो कुछ और जी रहा हूँ, सामने कुछ और रख रहा हूँ। तो यदि मैं अपना मूल्यांकन ठीक ठीक कर पा रहा हूँ, अगले व्यक्ति का ठीक ठीक मूल्यांकन कर पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक दूसरे की योग्यता को बढ़ाने का भाव होगा, कोई रहस्य नहीं होगा उसमें। तो हम उतने उतना सहजता के साथ जी रहे होते हैं अगले व्यक्ति के साथ, कोई ऐसा नहीं घर आ गया तो हमें सोचना पड़ता है कि अच्छा अगले व्यक्ति कहीं ऐसा ना पता लग जाए मेरे बारे में, नहीं, जैसा मैं जी रहा हूँ वैसा प्रस्तुत होता हूँ,
अपना मूल्यांकन ठीक ठीक रखता हूँ दूसरे के सामने, दूसरे का मूल्यांकन स्वीकारता हूँ। स्नेह का भाव मेरे अंदर होता है तो उससे हमारे आचरण निष्ठा दिखाई देती है, मैं संबंध को अनकंडीशनली स्वीकार पाता हूँ, संबंध में मैं एक जिम्मेदारी देख पाता हूँ। तो जब मुझे दिखता है कि दूसरे के अंदर सिर्फ योग्यता की कमी है, ना चाहना कमी है, ना क्षमता कमी है, और समझने का कार्यक्रम भी निश्चित है, तो उसको स्वीकारता हूँ जैसा भी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है। इनफैक्ट इसमें यह होगा कि जिसकी जितनी ज्यादा योग्यता है, यानी जितनी कम योग्यता है, उतना ज्यादा मैं जिम्मेदार हो जाता हूँ। अभी उल्टा हो रहा होगा, हो सकता है कि जैसे जिसमें जितनी ज्यादा योग्यता है उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, उसके प्रति हम उतना ज्यादा दुर्भावना पाल लेते हैं, उतना विरोध पाल लेते हैं, रिएक्शन पाल लेते हैं। स्नेह के भाव के साथ इसका उल्टा होगा, जितनी ज्यादा योग्यता की कमी उतना ज्यादा मैं जिम्मेदार कि नहीं, ये निष्ठा का प्रमाण, संबंध स्नेह का प्रमाण है निष्ठा। वैसे ममता को देखें तो ममता के भाव के साथ हमारे आचरण में उदारता दिखाई देती है, अगले व्यक्ति के शरीर के पोषण संरक्षण के लिए मैं भागीदार रहता हूँ। तो जो भी अगले व्यक्ति की आवश्यकता है, सुविधा की आवश्यकता है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है, उसको मैं पूरा करने के तत्पर रहता हूँ। तो मेरे अंदर उदारता दिखाई देगी कि नहीं। वात्सल्य का भाव मेरे अंदर होता है तो सहजता का भाव होता है, तो मुझे दिखता है कि हर व्यक्ति समझना चाहता है ना, समझ सकता है, तो मैं सहज रूप से प्रस्तुत रहता हूँ अगले व्यक्ति तक सही समझ को पहुंचाने के लिए, और अगला व्यक्ति गलती ना करे है ना, उससे मैं उसको बचा के भी रखता हूँ। जैसे अगर अपने बच्चे की प्रति देखें तो हम उसके शरीर का भी ध्यान रखते हैं और उसमें सही संस्कार तैयार हो उसके प्रति भी जिम्मेदार रहते हैं। अगर हम शिक्षक हैं तो शिक्षक में भी ये भाव बना ही रहता है कि अगले व्यक्ति के अंदर सही समझ, बच्चों के अंदर सही समझ, सही भाव हो। तो सही शिक्षा संस्कार उपलब्ध कराना, अनुकूल वातावरण देना, गलती से बचाना, ये सारा उसमें जुड़ा रहता है। इसको कहा सहजता। तो जैसे आप शिक्षक हैं, टीचर हैं, ठीक है ना, कोई बच्चा आपसे कुछ प्रश्न करने आया तो उसे सहज भाव से स्वीकारते हैं, हाँ भाई बताओ क्या प्रश्न है। ऐसा नहीं कि भाई मेरा काम तो एक घंटा क्लास में लेक्चर देना, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, या किसी ने कोई हमसे समझ को लेकर प्रश्न किया तो भाई हमारा काम था एक घंटा आपसे बात करना, वो हो गया, अब मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, नॉट लाइक दिस कि नहीं। तो सहज रहते हैं, है मेरे पास अगर ज्ञान उपलब्ध है तो ज्ञान के साथ मैं हर क्षण उपलब्ध हूँ दूसरे के अंदर सही समझ, सही भाव पर तत्परता के साथ सुनिश्चित करने के लिए। इसको कहा सहजता। श्रद्धा के रूप में देखें तो यदि मेरे अंदर श्रद्धा का भाव होता है तो मैं दूसरे के जैसा होने के लिए प्रयासरत रहता हूँ, तो सही की प्रेरणा स्वीकारने के लिए तत्पर रहते हैं। पूजा का मतलब यही है कि जिसको हम श्रेष्ठ कह रहे हैं, जिसको हम पूज्य कह रहे हैं, उसके जैसा होने का मेरे अंदर भाव है। कई बार इसमें चूक हो जाती है कि हम कई बार कुछ किसी को श्रेष्ठ मान लेते हैं परंतु हमको लगता है कोई विशेष गुण है, तो हम उनको हो सकता है कि घर के एक हिस्से में बना के रखते हैं, तस्वीर दीवार पर लगा के रखते हैं, बट मेरे अंदर कभी भाव ही नहीं आता कि मैं उनके जैसा हो जाऊं, तो ये श्रद्धा का भाव नहीं हुआ क्योंकि मेरे अंदर उनके जैसा होने का भाव नहीं है। तो अगर उनके जैसा होने का भाव मेरे अंदर नहीं बन पा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हमने श्रेष्ठता को विशेषता मान लिया है, तो विशेष गुण है, और जैसे हमने विशेष मान लिया तो श्रेष्ठ होने की परंपरा वहां रुक जाएगी। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हाँ भाई कोई एक व्यक्ति है जिनको अनुभव हो सकता है, बाकी को तो नहीं हो सकता, कोई एक व्यक्ति है जो ज्ञान में पूरे पड़े और तो नहीं हो पाएंगे, तो हम बार बार उनको याद करते रहेंगे पर उनके जैसा होने का प्रयास हमारा रुक जाएगा। हमको लगता है कोई एक व्यक्ति है जो ऐसे आचरण में पूरे पड़े परंपरा में है ना, और लोग तो कभी उनके जैसा हो नहीं पाएंगे। अब इसमें हम देखें तो हमारे अंदर श्रद्धा का भाव मिस हो जाता है फिर, क्योंकि हमने श्रेष्ठता कोई विशेष गुण मान लिया, तो हम उनके जैसा होने का प्रयास करते हैं कि नहीं। वैसे ही गौरव का भाव, तो गौरव के भाव का जो प्रमाण मिलता है सरलता के रूप में मिलता है, तो मैं जो भी प्रयास कर रहा हूँ उसको लेकर मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं होता, कोई ग्रंथि नहीं बनती कि मैं कुछ विशेष काम कर रहा हूँ। परंपरा में मैं देखता हूँ लोगों ने कितना अथक प्रयास किया है। नहीं, कई बार होता है कि हम कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, हमने शिक्षा के लिए कुछ कर दिया, पेड़ लगा दिए, हमने कुछ लोगों को जाकर सहयोग कर दिया, उससे हमारे अंदर ग्रंथियां बन जाती हैं कि हमने कुछ विशेष काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया है, एंड सो ऑन। तो ऐसा नहीं है,
जब मेरे मैं स्मरण करता हूँ कि परंपरा में लोगों ने ज्ञान के लिए कितना इन्वेस्ट किया अपने आप को, समाज के लिए करुणा के भाव के साथ कितना इन्वेस्ट किया अपने आप को, वो भाव मेरे अंदर सरलता का भाव सुनिश्चित करता है और उससे मैं ज्यादा प्रयास कर पाता हूँ। जैसे मेरे अंदर कोई ग्रंथियां बनती हैं तो विशेषता का भाव बनता है, कुछ करके हम ठहर जाते हैं, ठिटक जाते हैं। आज हमने 100 पेड़ लगा दिए और हमने कुछ विशेष कार्य कर लिया, अब अगले दिन हम दिन भर सो रहे हैं, पेड़ में पानी डालना भी भूल गए कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ विशेष मान लिया अपने आप को कि हमने आज 100 पेड़ लगा दिया, अगले दिन पानी डालना तो समाज का काम है, हमारा काम पूरा हो गया। तो ऐसा नहीं, हमने शिक्षा में कोई काम कर दिया और हमको लगता है कि अब मुझे इससे इतना सम्मान तो मिलना ही चाहिए, आज तक कौन दुनिया में इतना काम किया। तो ये सब अगर देखें तो कहीं सरलता का अभाव, सरलता मतलब मुझे दिखाई देता है कि पूरी परंपरा भरी पड़ी है श्रेष्ठता के लिए प्रयासरत लोगों में, लोगों के लिए न्याय के लिए लोगों ने जो प्रयास किया है, धर्म के लिए लोगों ने जो प्रयास किया है, सत्य को देखने जानने के लिए जो प्रयास किया है, उनका स्मरण करते हैं तो सरलता का भाव बनता है। कृतज्ञता की जो शिष्टता दिखाई देती है वो सौम्यता के रूप में दिखाई देती है, तो मैं शिष्टता पूर्वक प्रस्तुतता हूँ। तो अगर मेरे अंदर किसी के द्वारा मेरे विकास में किए गए सहयोग की स्वीकृति होती है तो जब मैं उनसे मिलता हूँ, उनसे व्यवहार करता हूँ, तो मेरे व्यवहार में शिष्टता दिखाई देती है, एरोगेंस नहीं होता मेरे व्यवहार में, मेरे भाव में, मेरे विचार में कोई एरोगेंस नहीं होता। तो जैसे आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए, बट प्राइमरी स्कूल में जिस टीचर ने आपको पढ़ाया और इनके पढ़ाने से आपको आगे सहयोग मिलता रहा, अब वो टीचर कल को रास्ते मिल जाए तो उनसे आप कैसे मिलेंगे? एक बड़े अधिकारी के रूप में मिलेंगे या उनके शिष्य के रूप में मिलेंगे, छात्र के रूप में मिलेंगे? तो अगर मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव होता है तो सहज रूप से मेरे अंदर सौम्यता आती ही है ना, मेरे अंदर कोई एरोगेंस नहीं होता, मेरे अंदर कोई इस तरह का विकार नहीं होता, ग्रंथि नहीं होती। और जब मेरे अंदर प्रेम का भाव होता है तो उसका जो शिष्ट का आचरण दिखाई देता है अनन्यता के रूप में दिखाई देता है, तो कोई दूसरा नहीं है, अन्य मतलब दूसरा, अनन्यता, मेरे अंदर ये भाव ही चला गया, ना अन्य, कोई दूसरा नहीं, सभी अपने हैं। तो सहस्तित्व के भाव में मैं बना रहता हूँ, वैसा ही मैं जीता हूँ और ये भाव मेरे अंदर फैलता है। प्रेम का भाव मानव के साथ शुरू होता है, धीरे धीरे मैं पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मिट्टी और पानी, इनके सबके साथ संबंध को देख पाता हूँ, तो मेरे अंदर ये भाव फैलता है, इन सबके साथ मैं जुड़ाव को देख पाता हूँ। शून्य में संप्रीतता को देखने के आधार पर मैं अपने आप को सब समग्र अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ पाता हूँ, तो मानव के साथ तो पाता ही, तो कोई दूसरा नहीं है, सभी अपने हैं, ये जो भाव मेरे अंदर बनता है उसका अनन्यता। जी, इतनी बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी भैया, मेरा क्वेश्चन पहले तो गौरव से है, क्योंकि पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज था, समझ नहीं पा रहा था, जो भी वर्कशॉप में सुना था। तो श्रद्धा में हमने बोला है कि जब एक्सेलेंस कंप्लीट हो जाए, वो हमें दिखती है उसमें, तो श्रद्धा होती है, ये तो क्लियर है। गौरव में ये था कि जो इस एक्सेलेंस की तरफ बढ़ रहा है जी भैया, जब श्रेष्ठता की पूर्णता दिखाई देती है तो श्रद्धा है। हाँ, श्रेष्ठता की पूर्णता जिसमें दिखाई देती है उसके प्रति श्रद्धा, जैसे उदाहरण के लिए नागराज जी, नागराज जी तो वहां पे हमें दिखाई देती है, इस कंटेंट को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई देती है कि जिन्होंने इस कंटेंट पे इतना जबरदस्त कंटेंट है, तो ऑटोमेटिक उनके प्रति श्रद्धा बनती है। तो अब मैं ये गौरव का भाव देखता हूँ, तो जैसे आपके प्रति है, गणेश सर के प्रति है, ऐसे और भी कई नाम है जो मैं पूरे नाम नहीं ले सकता हूँ, जिनके संपर्क में मैं आया हूँ उन्हीं के बारे में बता सकता हूँ। तो वहां अभी जब आपने एक वर्ड यूज किया कि जो एक्सेलेंस की तरफ पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं, तो वहां गौरव का भाव दिखाई देता है। पहले मैं सोचा कि एक्सेलेंस के लिए तो मैं भी काम कर रहा हूँ, सभी कर रहे हैं, पर सभी जो कर रहे हैं मेरे आसपास, उनकी वो जो क्या बोल निष्ठा जो है, अगर वो पूरी नहीं बनती है, पूरी नहीं दिखती है मुझे, तो वहां गौरव नहीं बनता। जबकि पहले मैं समझ रहा था कि जो भी इस पर काम कर रहा है, जिसने कंटेंट एक्सप्रेशन शुरू कर दिया, तो उस पर गौरव का भाव होना चाहिए। लेकिन जैसे गौरव का भाव आपके लिए फील होता है तो बाकी पे फील नहीं होता है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज था। पर अभी आपने जब ये वर्ड यूज किया कि निष्ठा पूरी दिखती है, तो ये मैं ठीक समझ रहा हूँ भैया? हाँ, ठीक है ना। तो जितने निष्ठा दिखेगी उतने का तो गौरव का भाव दिखेगा ना, कि हाँ वहां तो लगाया, कहीं चूक गए। हाँ
हाँ नहीं, लेकिन भैया जिससे मैंने ये क्वेश्चन जब किया था, तो सभी को एक्सप्लोरर हैं, तो मैंने कहा कि इन सबके प्रति गौरव का भाव होना चाहिए, और वो मेरे अंदर नहीं दिखता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मेरे को दिखता है। अब वो आत्म साक्षात्कार या वहाँ उपलब्ध है नहीं है, लेकिन मुझे उनकी जो जो कमिटमेंट है, जो निष्ठा है, वो दिखाई देती है कि उन्होंने अपना पूरा तन मन धन पूरा उसी में लगा रखा। वो जब दिखता है तो गौरव का भाव ऑटोमेटिक मेरे अंदर दिखता है मुझे, बाकी के प्रति नहीं दिखता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जबकि उस वर्कशॉप में इसको ऐसे रखा गया था कि जो भी सेल्फ एक्सप्रेशन में है उनके प्रति गौरव का भाव होना चाहिए। ठीक है ना, उसको अपनी सहज स्वीकृति में ही देख लें कि हमें सहज से क्या स्वीकार होता है, ये भाव का सही अर्थ क्या है, हमको स्वयं में ही दिखने लगता है। जी हाँ, नहीं सब बाकी भाव दिखते हैं, विश्वास ने वो दिखते हैं, लेकिन गौरव का भाव मुझे उन्हीं में दिखता है जिन्होंने पूरा अपना पूरे कमिटमेंट के साथ लगे, जो मैं देख पाया हूँ, जिन जिन लोगों के मैं संपर्क में आया हूँ। जी तो वो ठीक समझ रहा हूँ मैं भैया, क्योंकि उस वर्कशॉप के बाद थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था इसको लेकर। जी बढ़िया बढ़िया, ठीक है भैया। एक क्वेश्चन और है भैया, जो अभी विश्वास के भाव के साथ सहयोगिता, सहकारिता और सहभागिता, तो थोड़ा सा भैया क्योंकि फास्ट हो गया था तो एकदम क्लियर नहीं हुआ, तो एक बार आप तीनों को वापस समझा दें, क्योंकि तीनों बहुत आसपास के शब्द हैं। हाँ देखिए, सब मुख्य बात इतनी है कि मैं अगले के साथ जुड़ पाता हूँ, तो जुड़ने का योग कहा कि मैं अगले के साथ कनेक्ट हो पाता हूँ, अगले के सुख दुख में मैं उसके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो मेरे अंदर वो भाव बना रहता है, उसकी कोई आवश्यकता है उसको पूरा करने का मेरे अंदर भाव बना रहता है, उसका सहयोग करने का। सहकारिता मतलब उसके साथ जुड़ के मैं कोई योजना कार्यक्रम बना पाता हूँ, क्रियान्वयन कर पाता हूँ, सहकारी हो पाता हूँ। और सहभागी मतलब वो जो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है उसमें मैं भी भागीदार रहता हूँ। ओके ओके, ना तो जो भी मेरी सीमा है तन मन धन की, उसके साथ मेरे अंदर ये भाव बना रहता है, तो मैं जिसको भी देखता हूँ अगर कुछ सार्थक कर रहा है तो उसके अंदर मेरे प्रति सहभागिता का भाव बना रहता है। अगर कोई कठिनाई परेशानी आ रही है तो उसको दूर करना, तो ठीक है, इसके बीच में कोई बहुत अपने को डिमार्केशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात इसमें है कि जब मुझे चाहना पर शंका नहीं रहती तो मेरे अंदर कोई अगले के व्यक्ति के प्रति रिएक्शन, इरिटेशन, एंगर, अपोजिशन होता ही नहीं है। तो कोई अगर अपराधी भी है तो मुझे लगता है कि चलो अपराध किया, गलती की इसने, अब वो जेल पहुंच गया, क्यों ना जेल में पहुंचकर मैं उसमें समझ विकसित करूं, ये भाव मेरे अंदर बनेगा। ये नहीं बनेगा कि है ना अच्छा हुआ इसको बिल्कुल लटका दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, मेरे अंदर भाव बनेगा कि क्यों ना इसमें समझ विकसित की जाए। जी जी भैया, ये जो हमने आज सवेरे से देखा है, फाउंडेशन वैल्यू तो दिख रही है कि ट्रस्ट है, और कंप्लीट वैल्यू की तरफ जब हम जाते हैं तो प्रेम, लव दिख रहा। लेकिन भैया मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन है, हम ट्रस्ट भी उसी पे करते हैं जिससे हमें प्रेम हो जाता है, और अभी भी ऐसा ना करें, है ना। हाँ, अभी सारे शब्दों के अर्थ में जाना होगा, तो ट्रस्ट करते हैं जिनसे प्रेम हो जाता है ऐसा नहीं, वो तो ट्रस्ट मानना हुआ, बिलीफ हुआ, उसको ट्रस्ट नहीं कह रहे हैं। ट्रस्ट तो मुझे हर मनुष्य के प्रति अपने घर में बैठा हुआ भी दिखाई देता है जी, मैं उसे ना निर्वाह करता हूँ नहीं करता हूँ अलग बात है, कोई मानव है, चैतन्य इकाई है, इतना होना मेरे लिए पर्याप्त है। चैतन्य इकाई है तो उसमें वो ब्लॉक B1 की एक्टिविटी का पोटेंशियल है ही, और है तो उसके अंदर सहज स्वीकृति है ही, ये मुझे सहज रूप से दिखाई देता है। इस रूप में मैं हर व्यक्ति को देख पाता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर वही सहज स्वीकृति जो मेरी है। ये जो आपने कहा वो तो मानने की बात है कि आप जी, जी, प्रेम कर रहे हैं इसलिए क्राउड, वो प्रेम भी नहीं है बेसिकली, वो अच्छा, ऐसा अच्छा, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है कि हमारी कोई आशा पूरी हो रही है अगले व्यक्ति के साथ। वही मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि हम विश्वास भी उसी के ऊपर करते हैं कि मतलब विश्वास के बाद प्रेम आता है ना आपके, जो कंप्लीटनेस की तरफ जाते हैं, तो बराबर है ना। देखिए विश्वास भी आप किसको कह रहे हैं, प्रेम भी आप किसको कह रहे हैं, ये सब समझने का मुद्दा है। तो अभी आप जिसको कह रहे हैं किसी के प्रति प्रेम होता है, किसी के प्रति नहीं होता, प्रेम तो हर एक के साथ है, किसी के प्रति स्नेह हो सकता है। अच्छा जी जी, बढ़िया भैया जी, धन्यवाद भैया, बहुत ही सही चल रहा है, कल डिस्कस करेंगे आगे। बढ़िया भैया जी, नमस्ते। आज समय हो चला, यहाँ रुकना होगा अपने को। बढ़िया, तो इस पे आज हम लोग ध्यान दें, इन संबंध में जो शिष्ट मूल्य है, स्थापित मूल्यों पे तो कई बार बात हुई वर्कशॉप में, अभी शिष्ट मूल्यों पे थोड़ा ध्यान दें और देखें क्या हमारी इमेजिनेशन में शिफ्ट दिखाई दे रहा है, मेरे अंदर कितना सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता का भाव है, कितना मैं अरहस्यता से जीता हूँ,
ना, कितना मैं संबंधी ग्रुप में अनकंडीशनली स्वीकार लेता हूँ किसी को, ये सब अपने आप में देखें, है ना। जो शिष्ट मूल्य, नौ शिष्ट मूल्यों की बात हुई, इसमें काफी स्कोप मिलेगा, काफी स्कोप मिलेगा, एक एक भाव को लेकर, एक एक शिष्ट मूल्य को लेकर आप महीनों इस पे मतलब कंटेम्पलेट कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, और बहुत सारा कुछ अपने अंदर अपने संस्कारों में काम करने का अवसर मिलेगा। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।